नंगा करूंगा। एक एक को जिसने सिस्टम को लूटा है, जिसने सिस्टम को खराब किया है। कहेंगे सत्य लिखेंगे सत्य चलेंगे। और मैं कोशिश करूंगा जो गलतियां इन लोगों ने की हैं, अगर माफी मांगते मैं इधर रुक जाऊंगा, मैं उनको एक और मौका दे रहा हूं, माफी मांग लो, अदरवाइज सारा चिट्ठा खुलने वाला है। खैर, आपको दो चार चीजें बिफोर आई स्टार्ट रिवीलिंग समथिंग बिग, जिसको ये डिनाई नहीं कर सकते हैं, शेख फैमिली आज दो चार मेरे टारगेट्स हैं, स्पेशली फारूक अब्दुल्ला और उनकी फैमिली। आपको दो चार क्रिस्पी चीजें बता दूं। एक सोक्रेट्स से, जो एक ग्रीक फिलोसोफर थे एथेंस से, उसने जब ईमान की बात की, उस वक्त 8th century की बात बता रहा हूं, तो ही वॉज पॉइजन्ड, उसको जहर दिया गया। जब जीसस ने ईमान की बात की, उसको क्रूसीफाई किया गया। जब प्रॉफिट मोहम्मद ने, पैगंबर साहब ने बात की ईमान की, तो उनको हिजरत, उनको भगाया गया फ्रॉम मक्का टू मदीना। जब सीता माता ने, उन पे भी इल्जाम लगे, उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, आग में जलना पड़ा। जब गुरु तेग बहादुर ने ईमान की बात की, तो उनको कत्ल दिया, कत्ल किया गया। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जो वो हरकतें करते हैं, मैं आज भी उनका दोस्त हूं, क्योंकि दिल से मुझे उनका लगाव है। मैं ईमान की बात उनको कहता हूं, गॉड और दुआ मांगता हूं इस रमजान के पाक मुकद्दस महीने में, फॉर दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। एक विकीलीक्स हुआ था, जूलियन असांज, 2010 में, उसने जो यूएस आर्मी की इंटेलिजेंस लीक्स की थी, जिसमें गोटामाला और सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक्स हुई थी, जिसमें बड़ी सेंसेशन हुई थी वर्ल्ड वाइड कि कौन किसने क्या किया, कैसे अपने पैसे कहां दबाए, गोटामाला जेल्स में क्या होता क्या नहीं, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया था 2010 में। और उसका नतीजा, उसका इनाम क्या मिला 2012 में, उस पर सेक्चुअल केसेस लगे, हरासमेंट केसेस लगे, 50 हफ्ते तक वो जेल में रहा। बट 2015 12 अगस्त, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उसको जेल में भी रख के उन्होंने ड्रॉप चार्ज कर दिया कि वो बेगुनाह है। खैर, मुझे भी ये लगता है, क्योंकि मैं तो पूरी कोशिश करता हूं कि कश्मीर, कश्मीरिया, जम्मू, डोगरे ईमान पे आए और हम ईमान का जंग लड़ रहे हैं। लोग तो ये सिलसिला कर रहे हैं कि मैं सिलेक्टिव टारगेटिंग कर रहा हूं, नहीं, सब नंगा करूंगा, एक एक को, जिसने सिस्टम को लूटा है, जिसने सिस्टम को खराब किया है। तो उसी सिलसिले में आज मैं आपको एक ऑडियो सुनाऊंगा, आप ये ऑडियो सुन सकते हैं, जिसमें फारूक अब्दुल्ला को जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसका नाम शफी है, सुन लीजिए वो कैसे नेटवर्क बताता है कि लड़कियां कैसे आती थी, कैसे उनको निकाला जाता था, क्योंकि वो शरीफ आदमी था। उसने नाम मेंशन किए हैं कि कौन कौन लड़की सप्लायर था फारूक अब्दुल्ला का, वो एक पुराने DSP थे MP सिंह, और उनका जो सेकंड ये दूसरा था PSO, सुन लीजिए मैं आपको दिखा रहा हूं, एक सेकंड, ये मीडिया के सामने रिजवान ले लीजिए, सुन लीजिए, ये है ऑडियो रिकॉर्डिंग उनकी। मुझे परसों कॉल आई उनकी, शाम को लेट, लगभग 10:30-11 बजे, और सुन लीजिए क्या कहता है। सुनिए, एक सेकंड, सुन लो, शफी प्रिंस, ये सिक्योरिटी एडवाइजर चीफ, चीफ सिक्योरिटी गार्ड, ये लंबा वीडियो है, ये लगभग 1 घंटे का वीडियो है। इसमें फारूक साहब का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर शफी कन्फेस करता है, पूरा 1 घंटा 15 मिनट का ये ऑडियो है, जिसमें वो कहता कि ये मुझे एक्सपोज करना चाहिए था एज सिक्योरिटी ऑफिसर, लेकिन आपने किया।
उसमें वो पूरा बताता है कैसे ये सिलसिला चलता रहा। ये मैं आपको मीडिया भाइयों को भी दूंगा। ये तो एक, अब इसके बाद भी कोई कहे हम दूध के दूल्हे तो लाने थे उन पर। अब दो चार और क्रिस्पी चीजें, नासिर सोगामी नंबर टू नंबर थ्री। ये नासिर सोगामी अभी मुझे फोटोग्राफ पहुंचे शिवपोरा, उनका बंगलो बन रहा है। ये बंगलो की अभी लाइव, ये उनका बंगलो है और वो बोलते हैं दूध के दूल्हे हैं। ये लीजिए अमेरिकन स्ट्रक्चर, आपको पूरा स्ट्रक्चर देखना हो पूरा देख लीजिए कितना बड़ा उनका बंगलो है। इसको मेंशन कह सकते हैं, जो परसों तक डिफॉल्टर था उसको बैंसा का कर्जा नहीं चुका पा रहा था और आज वो बोलता है हम दूध के दूल्हे हैं। राठौर साहब के पास तो मकान भी नहीं है। एक अब दो चार क्रिस्पी चीजें जो आपको, रहीम राठौर की बात करूं, पीएससी में उसने अपनी बेटी को अपॉइंट कराया। आईएएस ऑफिसर थे एसएल भट्ट जो चेयरमैन थे पीएससी के, एक्सट्रीमली ऑनेस्ट गाय, ही वाज ड्यूकॉम कश्मीर आल्सो, देन ही वाज मेड चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, और 2008 से लेकर 2014 तक भी वो थे। उस वक्त बिल्कुल उन्होंने नहीं माना और उन्होंने क्या किया राठौर साहब ने, उन्होंने वहां सेक्रेटरी चेंज कर लिया, बुखारी को लाया जो कि राठौर का खास आदमी था, और विदाउट द नॉलेज ऑफ एसएल भट्ट उसको अपॉइंट करवाया। एसएल भट्ट के पास आज भी जाइए, ये स्टोरी मुझे एसएल भट्ट ने बताई। एक दूसरा, दो 1996 से लेकर 2002 फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी और पावर सेंटर था शेख नजीर अहमद मरहूम। क्या चलता था, क्योंकि उस वक्त पूरा नेक्सस नहीं बना था, बहुत देर के बाद हुकूमत मिली थी। केएस और केपीएस, केएस की रेट थी 4 लाख रुपए, बहुत सारे केएस सिस्टम में हैं जो 4 लाख रुपए देकर नजीर शेख को डायरेक्ट केएस बने हैं। केपीएस की रेट थी 3 लाख रुपए, आई एम अ विटनेस टू इट। अब महबूबा मुफ्ती जी, महबूबा हमारे एक मेरे बैचमेट थे मेडिकल कॉलेज में, उसका नाम था यामीन वटाली, डॉक्टर यामीन वटाली, जो जहूर वटाली का बेटा है, जो एक पाकिस्तान का स्टूज है, एक दलाल है, पॉलिटिकल दलाल, नेक्सस विद सेपरेटिस्ट, चाहे वो सजाद लोन हो, उनके लिए वो हवाला रैकेट चलाता था और उनके पैसे खा गया। उसने क्या किया, महबूबा मुफ्ती चाहती थी कि अपनी बेटी के साथ उनकी शादी हो यामिन की, तो बात चलती रही। 2006 में शायद यामिन ने एग्री भी किया था मैं शादी करूंगा, तो यामिन को 2006 जो ये एग्जाम हुआ मेडिकल का फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, यामिन को कुछ पोजीशन आई थी, वो अमंग द टॉप जो लिस्ट में था, तो यामिन को मैं सब बचपन से जानता हूं, 1997-8 से जानता हूं। यामिन को हम नकल करा कर पे पास, क्योंकि वो पढ़ता तो था नहीं। यामिन वटाली की बात कर रहा हूं, उसको मुझे याद है, मैं आज खुल के बात करूंगा। जब हम यूनिवर्सिटी में पेपर करते थे तो मैं बहुत जल्दी पेपर करता था, मेरी आदत थी, तो फिर वो मेरे पीछे बैठता था, तो फिर उसको पेपर ऐसे दिखाना पड़ता था, जल्दी कर दोस्ती, बिकॉज कॉलेज डेज में दोस्ती होती है और दिखाना पड़ता है। तो यामिन बहुत बार फेल हुआ है, एक बार नहीं 10 बार फेल हुआ है, रेपेयर हुआ है। वही लड़का 2006 में, उसको एक दिन पहले रात को यामिन ने मुझे बताया, डॉक्टर यामिन वटाली जो ऑर्थोपेडिक है, सर्जन है शायद बरजुला में, पता करिए उसके बैचमेट्स के साथ कि वो कैसा लड़का था, उसका रिकॉर्ड देखिए एमबीबीएस का, क्योंकि महबूबा मुफ्ती इंटरेस्टेड थी और मुफ्ती साहब शायद उस वक्त इंटरेस्टेड थे कि अपनी जो उनकी पोती थी और महबूबा मुफ्ती की बेटी थी उनके साथ शादी हो इन लिव। उसको पेपर दिया गया एक दिन पहले, तो जो लोग बेचारे दिन रात कश्मीरी जम्मू डोगरा किश्तवाड़ के लोग मेहनत करते हैं डॉक्टरी सीट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, वो बिकती थी इनकी हुकूमत के लिए, हुकूमत में। एक और नासिर सोगामी, अगर आपको याद होगा 2008 और 2014 में डॉक्टर शॉल यहां आए थे, एक बड़ा हॉस्पिटल मल्टी लेवल, बड़ा 500-600 करोड़ का हॉस्पिटल खोलने अमेरिका से आए थे, क्योंकि वो वर्ल्ड रिप्यूटेड सर्जन है, उनकी तो एक टेक्निक मानी जाती है शॉ टेक्निक, सच ए रिप्यूटेड वर्ल्ड रिनाउंड सर्जन। वो आए उमर से और नासिर से मिले, क्योंकि उमर का दलाल नासिर था, जो मैं खुल के बोलता हूं केस करते रहो और हम डरते नहीं रहेंगे। क्या किया डॉक्टर शाल,
से जब उमर अब्दुल्ला की मीटिंग हुई, उसने अपना प्रोजेक्ट बताया कि मुझे ऐसे हॉस्पिटल खोलने हैं, तो उसको क्या किया, नासिर उसको मिला, बोला हमको कितना शेयर देगा। तो सिंस वो अमेरिकन बॉर्न, ये अमेरिकन में पढ़ा, उस सोसाइटी में ओपन सोसाइटी थी, तो बोला भाई तो इन्वेस्ट करने आया हूँ, आपके लिए आया हूँ, मैं यहाँ पैसे कमा तो मैं कमा चुका हूँ, लेकिन आई वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट टू कश्मीरीज। तो उन्होंने पैसा मांगा, तो उसने इनकार किया, तो उसने कहा आई विल टेल द मीडिया, तो उन्होंने कहा हम तुमको मरवा लेंगे। तो फौरन डॉक्टर शॉल दिल्ली चले गए और दिल्ली से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अगर मीडिया भाइयों को याद होगा। दूसरा जावेद डार, इनका मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी एमओएस और बाकी मिनिस्ट्री उसके पास थी, रफियाबाद, खुद मुझे बोला, मेरा दोस्त था, बोला कि मैं इलेक्शन के टाइम जब मैं जमीन बेच के एमएलए बना और मिनिस्टर बना, और जमीन बेच के एमएलए बना मिनिस्टर बना, और जब निकला तो उससे तिगनी जमीनें बनाई, प्रॉपर्टीज बनाई, जो अगर उसने जमीन बेची 10 लाख की तो 50 करोड़ कमा लिए, तो इस पर भी इन्वेस्टिगेशन करें। दिलावर मीर और यावर मीर स्टूजिस, ये जो ये क्या कहते हैं आपका पीक्स, बलदेव सिंह का जो पीक्स है वो बिहाइंड द सीन, दिलावर मीर और यावर मीर है, इन्वेस्टिगेशन करिए। एसीबी को सब पता है, आईबी को सब पता है, विजिलेंस को सब पता है, तो ये क्या कर रहे हैं पता नहीं। वो कहते हैं ना कश्मीर में आजकल एक नया वो वीडियो ट्रेंड हुआ है, शराब से चमहा नमाज से पढ़ा हा खुदायो। तो हमारा ईमान देखिए, रोजे का टाइम है, रोजों में रमजान में लोग ईमान की बातें मांगते हैं, तो ईमान पे रहिए। मैं देखिए किसी, आप ये क्लियर माइंड पे छोड़ के चलो कि ये किसी के खिलाफ हम मुहिम नहीं है, मुहिम उनके खिलाफ है जिसने सिस्टम को लूटा, एक नेक्सस बना के अपनी कुर्सी को बचाने के लिए लोगों को मरवाया, हिंदू को भगवाया, मुसलमान को जो इलीट के साथ सेटिंग करके, जो बेचारे आम कश्मीरी, आम मुसलमान, आम जम्मू, आम डोगरा, जो बेचारा बेसिक रिक्वायरमेंट मांगता था, उसको जज्बाती बना के पाकिस्तान और हुर्रियत के साथ डीप नेक्सस करके उनको जज्बाती ड्रग्स में डाल के कुछ को गन दिया और कुछ को मरवाया। एक दूसरा क्या किया इन लोगों ने, देखो जब रेनेसांस कैसे होता है, रेनेसांस बदलाव कैसे आता है, जो पावर हंगरी है तो मानेंगे नहीं। आज भी मैं मानता हूं मैं कश्मीरी हिंदू हूं, मैं पूरे इंडिया में भ्रमण किया हूं, पूरे वर्ल्ड में देखा हूं कि हम लोग सच में बनाना रिपब्लिक है। बनाना रिपब्लिक मींस हम लोग आज भी फर्स्ट क्लास सिटीजंस नहीं है। देखो सियासतदान पब्लिक में किस लिए आता है, पब्लिक लाइफ में खिदमत करने के लिए, आवाम की कहीं मुश्किलात हो। हमारी डेमोक्रेसी आप पढ़ो, द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल बाय द पीपल फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। क्या मैं कश्मीर की बात करता हूँ, जम्मू कश्मीर की, क्या सरकार हमारे बेनिफिट के लिए थी, आज की नहीं, मैं उनकी सरकारों की बात कर रहा हूँ, महबूबा मुफ्ती के टाइम हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे नैन्सी की हो, हमको तो लातों जूतों से ये मारते थे। यहाँ पुलिस वाला सुबह निकलता था पैसे कमाने, क्यों, इनको ऊपर देने पड़ते थे। तो एक डीप नेक्सेस, पोलिटिकल, ब्यूरोक्रेटिक, जुडिशरी सब इसमें इन्वॉल्व थे। तो आपके माध्यम से सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूं कि इन लोगों को कहो सुधर जाओ। एक और, अब एक और, ये तो इतनी बात हुई, एक और देखिए, मुझे परसों एक और कॉल आया राठर साहब की, अब राठर साहब की बात करते हैं इस कॉल से। देखिए लोग खुद वॉलंटियर कर रहे हैं, हमको पता भी नहीं कौन लोग हैं, सुनिए अब ये वीडियो। गुड मॉर्निंग सर। एक सेकंड, नहीं नहीं एक सेकंड, ये कौन सा है, एक सेकंड, तो सुनो भैया वीडियो सुनो, वीडियो नंबर 2, एक सेकंड में देता हूँ, ये हमें परसों आया, एक सेकंड मेरे रिकॉर्ड में, एक सेकंड, एक रिटायर्ड ऑफिसर क्या कहता है इनके बारे में जो इनका शिकार हुआ है, सुनिए उसका, ये मुझे कल कॉल आई, एक सेकंड, कल क्या था, 3 टुडे इज 3rd ना, हाँ मुझे कल सुबह था कॉल, एक सेकंड, ये लीजिए सुन लीजिए, ये सुन लीजिए ऑडियो, इसमें ये राठर साहब और जमात इस्लामी में जो राठर साहब का साड़ू था, देखो कैसे जमात इस्लामी को लोगों को सिस्टम में ला के प्रमोट करके कैसे नेक्सस चलाते, सुनिए। नमस्कार सर, बताइए सर। नमस्कार सर, मैं सुभाष शर्मा जी है ना, किशोरीलाल शर्मा जी के बेटे, उनका सदन बोल रहा हूँ, रविंदर मिश्रा जम्मू से। अच्छा आप ऐसा करें, अभी बहुत फंसा हूँ, आप शाम को मैं डिटेल में सुन पाऊंगा, अभी मुझे इतना, मैं इधर बोला, इतने लोग यहाँ पर, आप शाम को
पर्सन से बात करेंगे। मुझे पता नहीं चल क्या बोल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राठर साहब का जो साधु है ना, बशीर अहमद गनई, बशीर अहमद गनई साधु राठर का, जमात इस्लामी का आदमी, बशीर अहमद गनई साधु साधु, और अब ये लंबा वीडियो मैं आपको दूंगा इसके बाद। तो सिर्फ जो आप मीडिया भाइयों का तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं माफी चाहूंगा कि इतने अर्ली 11 बजे आप लोग, आजकल पहला रोजा और बहुत मुश्किल होता आप लोगों के सामने, लेकिन आप सबको गुजारिश करूंगा कि ईमान वालों के साथ अल्लाह ताला है, आप रोजदारी में हैं, ईमान रखिए, ईमान वालों के साथ अल्लाह ताला है, अगर मैं ईमान पे हूं तो मेरे साथ अल्लाह ताला है, आप ईमान पर हैं आप के साथ अल्लाह ताला है, उनको कहिए ये पाक महीना माफी मांगना है, अल्लाह ताला से माफी मांगो कि हमारे गुनाहों को बख्शो, क्योंकि अगर उन्होंने इसके बाद भी कोई हरकत की तो उनको मेरा एक ही डायलॉग रहेगा, डोंट एंग्री मी, उनका और चिट्ठा खोलूंगा, चुप रहो, जो मैं कह रहा हूं चुप करके सुनो, क्योंकि तुमने किया है इसलिए मैं बोल रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मावा साहब। जो आपने ये कहा कि मिनिस्ट्री जो करप्शन वगैरह है, इसमें फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का कितना हाथ है? अरे मेरे भाई सर, मैंने क्या कहा, मैंने एक टर्म यूज की, अली बाबा 40 चोर। जब सरदार, देखो सिस्टम में करप्शन कैसे होता, जब ऊपर, आज देखो पुलिस वाला क्यों डरता है, क्योंकि ऊपर से टाइट है, पहले ऊपर से ही कहते थे वटो फारूक अब्दुल्ला का क्या था, खाओ और खाने दो, पार्कों में जाओ, लड़की लड़के को मत, कपल को मत सताओ। Who did this immorality? नेहरू बॉटनिकल गार्डन में कौन हरकतें कराता था, बोलता था लो करो आंखें बंद करो, फारूक अब्दुल्ला ज्यूरिंग हिज टर्म। ये तो घर घर को, मीडिया वालों को, एक एक आदमी को पता है। तो अगर हम नहीं करेंगे, अब सवाल है कि आप क्यों कर रहे हैं, आपने सही सवाल किया, मैंने आपको कहा मैं समर्थ हूं, मैं अगर जिंदगी में कुछ ना करूं, मतलब कोई ऐसी गलती ना करूं, मेरे लिए इस जन्म के लिए, इस जिंदगी के लिए काफी पैसा, मैं आई कैन लिव ए प्रिंसिपल लाइफ, लेकिन कल को जब सवाल अल्लाह ताला के पास, भगवान के पास, राम के पास, रहीम के पास जाऊंगा, वो मुझे एक ही सवाल करेगा, बेटा मैंने तो तुमको सब कुछ दे दिया था, तरक्की, पैसा, गाड़ी, शोहरत, कारोबार, तुमने क्या कंट्रीब्यूट किया, हाउ हैव यू गिवन बैक टू द सोसाइटी, आई विल टेल देम आई हैव फॉर द माइटी, जो मुगल्स थे कश्मीर के, उनके एक्सपोज किया। मैं इस दौरान कामयाब हो सकता हूं, नहीं हो सकता हूं, लेकिन जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उस वक्त ये जरूर बोला जाएगा कि कोई डॉक्टर संदीप मावा, कोई डॉक्टर रिजवान रहीम डार उठे थे सिस्टम को चेंज करने के लिए, वो चला न चला हमको पता नहीं। एक दूसरा, मुझे पूरा यकीन है अपने प्राइम मिनिस्टर पर, जिन्होंने क्लियरली कहा है न खाऊंगा न खाने दूंगा, दिस वीडियोस, ऑडियोस, प्रूफ्स, सेल डीड्स, फोटोग्राफ्स इज, और उनके अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, उनके एडवाइजर्स, उनके मिनिस्टर्स के ऑडियो, जो चीफ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर रिटायर हुआ, उनकी लीक्स। अगर इसके बाद भी आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं मजबूर हो जाऊंगा, मैं इस माध्यम के थ्रू, प्रेस के थ्रू सरकार को कल का दिन देता हूं, कल मंडे है, कल तक वो इंक्वायरी इनिशिएट कराएं, चाहे सीबीआई से, एंटी करप्शन ब्यूरो से, किसी से भी करवाएं। और एक अच्छी बात, आज एक बड़े अधिकारी को हमने ये भेजा और उन्होंने वहां से, जो जिनका काम है इन्वेस्टिगेशन करना, जब हमने उसको राठर और इसका भेजा तो उनका वहां से रिप्लाई आया डाकू, हो गया उनको सारा पता, जो मैं बार बार कह रहा हूं, ये कागज सिर्फ मेरे पास नहीं है, ये पूरे सिस्टम में ये कागज है, जो जो एजेंसी है उनके पास मेरे से पहले इंफॉर्मेशन है। तो इस कारण मैं मजबूर हूं, क्योंकि अब मुझ पर भी दाग लग रहे हैं कि आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, अगर कर रहा तो आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन अपने आप को बेदाग करने के लिए, जिस तरह भगवान राम की बीबी श्री सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, मैं सरकार को सिर्फ कल का दिन देता हूं, मैं आग्रह करता हूं बिल्कुल विनम्रता से, कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई, हम पीसफुल लोग हैं, कि कल इंक्वायरी इनिशिएट कराएं, जो मैं कह रहा हूं एकदम इस पर इंक्वायरी हो, जैसे आप क्राइम ब्रांच में प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन कराते हो, प्रिलिमिनरी वैसे ही कराओ, चाहे सीबीआई से कराओ, एंटी करप्शन ब्यूरो से कराओ, क्योंकि इनका मैंडेट ही यही है। एक, और कल तक नहीं हुआ तो ट्यूसडे मॉर्निंग 10 बजे मैं एंटी करप्शन ब्यूरो चीफ के बिल्कुल ऑफिस के बाहर आमरण अनशन करूंगा 2 दिन के लिए, और बुधवार, ट्यूसडे और वेंसडे तक मैं करूंगा,
और थर्सडे 2 बजे मैं आत्मदाह उनके ऑफिस के बाहर करूंगा, ताकि लोगों को लगे कि हम किसी एजेंडा के तहत काम नहीं कर रहे हैं, हम कश्मीर को एम्पावर कर रहे हैं, कश्मीरी को नौजवान को सच में आजादी दे रहे हैं। आजादी का मतलब नहीं होता पाकिस्तान, आजादी का मतलब होता है ट्रू इंडियन डेमोक्रेसी। जो ये बार बार कहते हैं ये बनाना रिपब्लिक है, उनको जवाब देना पड़ेगा कि ये ट्रू डेमोक्रेसी है, इट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। आप टेस्ट कीजिए, हमको ट्रायल्स में लीजिए, उनको लीजिए, लेकिन जो लड़की आप देखिए क्या कह रहा उनका चीफ, वो हम जिन लड़कों के साथ इस्तेसाल हुआ उनको ओपन अप करना चाहिए। दे शुड, मैं आपके माध्यम के थ्रू जिसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, कोई लड़की हो, बेटी हो, बहन हो, माँ हो, दे शुड इंस्टेंटली, मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करें 94191922224, मैं रिपीट करता हूं 94191922224 पे मुझे फौरन व्हाट्सएप करें, ताकि मैं रेलेवेंट एजेंसीज के पास वो डाटा भेज पाऊं, या मुझे पर्सनली आके मेरे घर में मिले, मेरे ऑफिस में मिले, ताकि हम इसको पूर्ण विराम दे। जिन लोगों ने कश्मीरों के साथ इस्तेमाल किया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के जो भी लोग हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी में है, जुडिशरी में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, पुलिस में है, सेपरेटिस्ट में है, जिसके साथ भी इस्तेमाल हुआ है, मेरा आखिरी खून का कतरा उनके लिए है। और हम किसी साजिश के शिकार होने वाले नहीं, कुछ भी कर लो, बट डोंट एंग्री मी। थैंक यू वेरी मच।